हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश स्पीकिंग विद गैरी। दिस इज इंग्लिश बोलें सिर्फ एक बार सुनकर। एक बार सुनते ही इंग्लिश बोलें का लेक्चर वन है आज। तो मेरा कोई जो भाई पहले दिन मेरा वीडियो देख रहा है या फिर कोई पुराना देख रहा है, अभी तक उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दें ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए भाई, शुरू करते हैं हम आज का पहला सेंटेंस। डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव करना, ये अपग्रेड वोकैब है। डिस्क्रिमिनेट ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, भेदभाव करना। वी शुड डोंट डिस्क्रिमिनेट विद एनीवन, हमें किसी से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे आप बहुत से बना सकते हो, वी डोंट डिस्क्रिमिनेट विद अवर कोलीग, है ना। या आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो क्लास स्टूडेंट में भी आप किसी को समझाना है कि भाई डिस्क्रिमिनेट नहीं करना विद द चिल्ड्रंस, विद द किड्स, तो ठीक है ना। कहीं पर भी बता सकते हैं आप, कहीं पर आप जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए भी बता सकते हैं। जो सिमिलर वर्ड्स हैं ना, डिस्क्रिमिनेट की जगह पे कई बार डिफ्रेंशिएट आ जाएगा और डिस्टिंग्विश, ये बहुत ज़्यादा होता है और इससे आपने कभी भी घबराना नहीं है। तो भाई इसका मतलब भेदभाव करना ही होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वो थोड़ा सा चिढ़ गया या वो थोड़ी सी चिढ़ गई, है ना, तो हम उसे कैसे कहेंगे कि वो थोड़ा सा चिढ़ गया या थोड़ी सी चिढ़ गई। हम कहेंगे शी इज टिप्सी एट द मोमेंट, वो भाई अब इस बात से थोड़ा सा चिढ़ गया, है ना, वो इस बात से थोड़ी सी चिढ़ गई। ये हम अक्सर बोलते हैं, अगर ही, अगर वो है तो ही, लड़की है तो शी, शी या ही इज टिप्सी एट द मोमेंट, MOMENT, ही इज टिप्सी एट द मोमेंट, वो अब जरा थोड़ा सा चिढ़ गई या वो अब जरा थोड़ा सा चिढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अपने सपने को जियो, अपने सपने को जियो, अपने सपने को जियो कैसे कहेंगे आप। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जो होता है होने दो, लेट इट बी, अपने सपने को जियो। लिव योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम, DREAM, के भाई अपने सपने को जियो, अपनी जिंदगी को जियो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो कैसे कहते हैं, गो अहेड भी कह सकते हैं, मूव ऑन, मूव ऑन, ठीक है, ये है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे आता है कि भाई कील को ठोंक दो, है ना, कील को ठोंक दो। जब कोई मिस्त्री बुलाते हैं, कोई कारपेंटर बुलाते हैं तो कहते हैं कील को ठोंक दो, या इस पर कील ठुकने वाली है, तो कील को क्या कहेंगे, नील, ठुकने को कहेंगे हैमर, हैमर अनिल, के भाई हथौड़े के साथ कील को ठोंक दो, हैमर अनिल, कील को ठोंक दो, ठीक है। तो आपसे ऐसे कहना है, हैमर अनिल। देन नेक्स्ट चलते हैं, मुझे सच में नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता था, तो उसे कैसे कहेंगे, आई रियली डोंट नो, मुझे सच में नहीं पता था, आई रियली डोंट नो। तो आगे हम कहेंगे कपड़े इस्त्री कर दो, या हम कहते हैं ना कपड़े प्रेस कर दो, तो कपड़े इस्त्री कर दो को क्या कहेंगे, आयरन द क्लॉथ्स, कपड़े इस्त्री कर दो नहीं कहना है आपने आज से घर में भी, आयरन द क्लॉथ्स। जिनको पता भी है वो यूज़ नहीं करते, वो भी यूज़ करें, बहुत ख़राब होता जा रहा है। हम कहते हैं ना कि भाई ये तो स्वेटर बहुत ख़राब होता जा रहा है, ये पेन, ये स्कूटर, ये कार,
या ये लड़का बहुत खराब होता जा रहा है, इट्स गेटिंग वर्स, इट्स गेटिंग GETTING WORSE, इट्स गेटिंग वर्स, ये तो बहुत खराब होता जा रहा है, चाहे वो कोई लड़का है चाहे लड़की है, चाहे पेन है चाहे कार है चाहे पेंसिल है। इसलिए अब हज़ार चीज़ों में जो है सेंटेंस बना सकते हैं आप। फिर से अनुमान लगाओ, अभी तो तुम काफ़ी दूर हो, फिर से अनुमान लगाओ अभी तो तुम काफ़ी दूर हो को कैसे कहेंगे? फिर तो फिर से अनुमान लगाओ, गैस अगेन यूअर वे ऑफ, कि भाई अभी तो काफ़ी दूर हो, या कोई हमने प्रोवर्ब डाली होती है या हमने कोई रिडल डाली होती है, ठीक है ना, कोई कहावत कोई हमने वो डाली होती है कि भाई पजल, तो उसके लिए कह देते हैं या वैसे भी कह देते हैं कि भाई अभी तो आप बहुत दूर हो, अभी कहाँ से पहुँच गए यहाँ पे। गैस अगेन, कि दोबारा से अनुमान लगाओ, गैस अगेन You are way off, अभी तो बहुत दूर हो, दोबारा से अनुमान लगाओ, ऐसे कहेंगे, guess again, you are way off। Then last but not the least, ये कहेंगे इसका क्या करना है, इसका क्या करना है, उसको कैसे कहेंगे फ्रेंड्स, इसका क्या करना है, What to do with this? What to do with this? हम कहते हैं ना ज़्यादातर कि भाई अब इसका क्या करना है ना, What to do with this? What to do with this? अब ऐसे साउंड करना है आपने। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट सेंटेंस। आई होप यू लविंग टू सी माई वीडियोज एंड आई थिंक आई लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस wholeheartedly। I get back soon with my next video, till then goodbye friends।